तेरी माँ छूटिया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो ये मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल पे, तो होपफुली कि सपोर्ट मिलेगा शायद से। और चलो गिर ओपन कर लेते हैं भाई। मज़ा आ गया वेदर देख के, आज तो बहुत ही तगड़ा वाला वेदर है, मज़ा आएगा। और चलो फटफट से गिर ओपन कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा MT-15 version 2, क्या ही मस्त लगता है दिखने में। मुझे तो पर्सनली ये वाला वेरियंट बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने तो मतलब क्या किया, वेट करने के बाद मुझे मिला ये वाला वेरियंट। पहले नहीं मिल रहा था मुझे शोरूम में, मेरे यहाँ के लोकल शोरूम में मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने वेट किया, फिर उसके बाद मैंने 15 दिन वेट करने के बाद मुझे ये वाला वेरियंट मिला। तो भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला वेरियंट। और आप लोगों को ये वाला वेरियंट कैसा लगता है, जो मैट ग्रे का वेरियंट है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फटफट से बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, जाना है मुझे मेरा स्कूल पे। ओए होए क्या ही लगता है, एक बार देखो भाई इसका ब्यूटी देखो। आए वैसे ही MT मतलब इसका लुक्स के लिए ही जाना जाता है। ऊपर से मुझे तो ये वाला कलर वेरियंट बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो बाइक चालू हो गया है, अभी निकलते हैं और रास्ते में बात करते हैं। और ये देखो भाई, मतलब रॉन्ग साइड में कितना ही साइड में आ जाएगा, अरे मार के चला जाओ ना भाई। मतलब हद है, मतलब क्या ही अभी कुछ नहीं बोल सकते। इंडियन रोड से सबको पता है, मतलब इधर तो गाड़ी कहीं से भी घुस के कहीं से भी निकल जाएगा, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो एकदम मतलब पूरा ही वार्न होकर चलाना पड़ता है। इधर कहाँ से कौन सा गाड़ी निकल जाए पता नहीं। तो अगर सच्ची बोलूँ तो मतलब इंडियन रोड पर जो गाड़ी चलाता है ना, तो वो सच्ची में प्रो ड्राइवर है सच्ची में। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कहाँ से कौन निकलेगा, कहाँ से फट से निकल के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे हेलमेट नहीं पहना हुआ है। आंटी जी हेलमेट पहन लीजिएगा। ये देखो भाई स्वैग से भाई स्कूटी चला रहा है, तुम हेलमेट पहन लो। हमेशा बोलता हूँ कि राइड सेफ, हमेशा एकदम प्रॉपर गियर के साथ चलो। वैसे तो मैंने आज ग्लव्स नहीं पहना, मैं हर बड़ी में मुझे लेट हो गया तो मैं निकल गया, ऐसे माफ़ करो। नॉर्मली मैं पहनता हूँ ग्लव्स, लेकिन आज एकदम लेट हो गया तो मुझे फटफट से निकलना पड़ा। और चलो MT का मतलब एक बात तो सही है कि इसको लीन करने में मज़ा आता है। इसका जो पावर है ना वो भाई, ये देखो भाई प्रो राइडर, ये भी बिना हेलमेट का चला रहा है। कुछ बोल नहीं सकते इनको, कुछ बोलेगा तो उल्टा आपके भड़केगा। ओए होए मतलब जो पावर है, जो लीन करने में जो अपना कॉन्फिडेंस निकलता है ना भाई, क्या ही बोले। अभी इतना मस्त लगता है इधर लीन करने के लिए। ओए चलो ये वाला टर्निंग भी ले लेते हैं। और यहाँ पे आंटी जी एकदम फास्ट चलते हुए, लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहा है, कुछ बोल नहीं सकते अभी। चलो आप लोगों को बोलता हूँ, अगर मेरा जो वीडियो देख रहा है, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो या फिर टू व्हीलर पे बैठते भी हो ना, हेलमेट पहना करो, हेलमेट पहना करो, ये बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स हेलमेट ये सब पहना करो। और मैंने हाल ही में ये MT-15 version 2 का ये वाला वेरियंट लिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची बोलो तो। तो इसका अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी सर्विसिंग गया नहीं है मेरा, एकदम नया नया बाइक है। चलाने में तो एकदम बहुत ही मस्त लगता है, एकदम स्मूथ लगता है। अगर किसी को भी MT-15 के बारे में कुछ नॉलेज हो तो मुझे बताना, अगर मेरे से कुछ जानना है इस बाइक के बारे में, अगर कोई मतलब ये बाइक लेने के बारे में सोच रहा है और कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या है कैसा है, तो मुझे कॉमेंट में मतलब पूछ सकते हो, मैं वैसे रिप्लाई कर दूँगा। और वैसे मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इंस्टाग्राम का लिंक से आप लोग ये देखो, और एक आंटी जी है जिसने हेलमेट नहीं पहना, अभी कुछ बोल नहीं सकते इनको कुछ बात। और हाँ मैं क्या बोल रहा था, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ भी मतलब क्वेरी हो तो मुझसे मतलब आप लोग बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये वाला भाई साहब, ये भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, मतलब ये भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, भाई हेलमेट पहना करो, कितनी बार हेलमेट पहना करो। ये देखो ये प्रॉपर सेटअप हुआ ना, आहा मज़ा आ गया। आंटी जी भी हेलमेट के साथ, अंकल भी हैंडल के साथ, आंटी जी भी हेलमेट के साथ। ये देखो चला कौन रहा है, इसके इसके सर पे हेलमेट नहीं है, जो पीछे बैठा हुआ है उसके सर पे हेलमेट है। वाह
ये भी सही है वैसे, क्या ही बोल सकते हैं भाई, आप लोग हेलमेट पहना करो वैसे खुद का सेफ्टी के लिए। और ये वाला गाड़ी वाला भाई साहब, भाई आगे जाने दो ना, उस साइड से साइड दे रहे ना इस साइड से साइड दे रहे, क्या जाने दो भाई जाने दो, ऐसे ही मुझे लेट हो रहा है, जाने दो। मतलब ओवरटेक करने के बाद इसका जो मतलब जो पावर है ना, जो फील होता है ना बाइक पे, बहुत सही आता है। इसका जो मतलब थ्रॉटल रेस्पॉन्स है ना, बहुत तगड़ा वाला है। जो मतलब खींच के जो बाइक को मतलब जो खींचता है ना, मतलब वो वाला पावर मतलब सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। ये वाला बाइक अगर आप लोग मतलब चलाओगे ना, सच्ची में बहुत मतलब पावर फील होता है, एकदम मस्त लगता है। और मेरा ये पहला वाला व्लॉग है इस चैनल पे, तो कुछ गलती हो सकता है, माफ़ कर देना। अगर पसंद आए तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग आने वाला है, मैं प्लान करके रखा हूँ। पहले मैं बच्चों को क्रॉस कर लेता हूँ और अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्लान है मेरा बहुत अच्छा खासा, मतलब इसका मैं क्वालिटी भी इम्प्रूव करूँगा, ऑब्वियसली माइक का क्वालिटी हो गया या फिर सब कुछ मैं इम्प्रूव करूँगा। अभी पहला पहला मैंने चालू किया है, तो ऑब्वियसली माफ़ कर देना अगर कुछ भी मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो या फिर ऑडियो में या जो भी हो, तो माफ़ कर देना। वैसे इसको मैं ओवरट्रेक कर लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा था। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये फोर व्हीलर वाले क्या करते हैं, पूरा रोड को एकदम कवर करके चलता है भाई। एक साइड से छोड़ दो, एक साइड से जाने दो हमको, लेट हो रहा है, लेकिन नहीं, इनको पूरा रास्ता मतलब कवर करके चलना है। क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकता। अभी अभी देखो पूरा लेफ्ट साइड खाली करके चल रहा है, लेकिन उस साइड से मतलब ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि रॉन्ग साइड है, और राइट साइड पूरा बंद करके चल रहा है। क्या ही मतलब, ये देखो विदाउट हेलमेट चल रहा है, मतलब कहीं भी कहीं से भी घुसा देता है ये लोग। बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इधर तो। चलो अभी मतलब हल्का फुल्का हमारा पूरा एकदम सिटी वाले एरिया में घुस चुका हूँ अभी एकदम, मतलब यहाँ से अभी चालू हो जाएगा हमारा सिटी वाला एरिया। तो वैसे अभी तो भीड़ भाड़ नहीं है इधर क्योंकि एकदम सुबह का टाइम है, लेकिन जब मैं लौटूंगा ना, तो भाई साहब जो मतलब इधर मतलब ट्रैफिक जाम होगा ना, मज़ा आएगा उधर चलाने में। वैसे एक बात सच में बोलूँ, ट्रैफिक में चलाने में भी मतलब ये वाला बाइक बहुत स्मूथ लगता है, क्योंकि इसका क्लच रिस्पॉन्स, क्लच बहुत ही लाइट है, इसका क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब फील ही नहीं होता भाई। मतलब क्लच दबा रहे हो, रिलीज कर रहे हो, एकदम ही रेस्पॉन्स बहुत सही है इसका क्लच का। और मतलब पूरा ओवरऑल बाइक का जो कॉम्बिनेशन है, क्लच हो गया, इसका थ्रॉटल रेस्पॉन्स हो गया, गियर का स्मूथनेस हो गया भाई, इंजन का प्योरीफाइड, मतलब क्या ही बोले। तो देखो भाई बहुत सही, बहुत सही साक्षा जी, बहुत सही। ऐसे ही रोड के बीच में पूरा गाड़ी रोक दो, तो चलो अभी घुस चुके हैं एकदम मस्त सिटी वाले एरिया में। भाई वैसे मैं मेरा स्कूल पहुंचने वाला हूँ, मतलब थोड़ा सा तो मतलब पूरे एकदम केयरफुली चलाना पड़ेगा। वैसे आज मौसम बड़ा ही सही है, बड़ा ही मौसम सही है इस टाइम पे, तो मतलब बड़ा ही सही है ना, धूप निकल रहा है ना बारिश हो रहा है, एकदम ही मस्त लग रहा है वेदर। मतलब राइड करने के लिए सुबह सुबह ये वाला वेदर बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। वैसे अगर आप लोगों के पास MT-15 है तो मुझे बताना इसका माइलेज कितना आ रहा है आप लोगों को। वैसे मेरा माइलेज मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन मुझे मतलब पर्सनली जानने का मन है, अगर कोई MT-15 चलाता है तो जो ये वीडियो देख रहा है, तो मुझे पर्सनली आप लोगों का जो माइलेज है मुझे वो जानने का मन है। तो तेरी माँ की चोट हो गई है, छूट गया। ये देखिए भाई, कुछ भी इंडिकेटर नहीं किया उसने, उसने मुझे मतलब उसने अपना इंडिकेटर यूज़ तक नहीं किया कि वो राइट लेन पे आ रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, कुछ भी नहीं, और भाई सीधा मतलब घुसा दे भाई, अब मार ही देता अभी ऑलमोस्ट मैं। भाई साहब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मतलब कुछ भी, अरे भाई देख के तो चलो इंडिकेटर दो, मुझे पता तो चले कि तुम इस साइड पे आ रहे हो, भाई पूरा ही घुसा दियो इतना स्पीड में। भाई साहब, भाई अभी नया नया गाड़ी लिया है, नया नया बाइक लिया है, अभी अगर ठुक जाता ना भाई बहुत गुस्सा आता, बहुत ख़राब लगता। तो भाई सबको बोल रहा हूँ जो जो मतलब अभी वीडियो देख रहा है, अगर ड्राइव करते टाइम ना बहुत केयरफुली ड्राइव करो। वैसे आप खुद का मतलब ज़िंदगी भी हाथ में लेकर चल रहे हो, दूसरों का भी, तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भाई दिल एकदम धक धक कर रहा है मेरा। छीत भाई, पूरा पूरा ही मतलब क्लोज था, एकदम क्लोज कॉल। दिन सही था, वैसे दिन सही था, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब
कुछ भी नहीं हुआ वैसे। चलो कोई नहीं, बच गया मैं। और यहाँ पे मैं मेरे स्कूल के रोड पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट लेता हूँ। चलो मैं स्कूल पहुँच गया अभी हल्का फुल्का। तो वैसे मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हुआ ही होगा, मुझे पता है वैसे। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, वैसे ये देखो भाई कचरा, कुछ भी नहीं बोल सकते इन लोगों को, कुछ भी नहीं बोल सकते, ये सब मत करो रे बाबा। कचरा वचरा अपनी जगह पे डालो, मस्त डस्टबिन यूज़ करो, ये सब मत करो। वैसे हाँ, मैं बोल रहा था कि हाँ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो बहुत सारा गलतियाँ हुआ होगा। यहाँ पे मैं आ गया मेरे स्कूल में, और वैसे मैं एक टीचर हूँ तो टॉक्सिक टीचर वैसे। तो हाँ, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है इन फ्यूचर इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।